नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसा संदेश दिया जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट पर बड़ा प्रहार किया और अपने 92 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने डोटू कहा कि परिवार को छोटा रखना भी देशभक्ति है। बिल्कुल, और पीएम मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए अब सोचना होगा। सीमित परिवार से न सिर्फ खुद का बल्कि हम देश का भी भला करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सीमित परिवार के फायदे को लोगों को समझ रहे हैं, जो समझते हैं कि यहाँ सीमित परिवार है तो बेहतर आपके लिए कैसे होगा, देश के लिए होगा, वही दरअसल अब बेहतर तरीके से देश के हित में काम करते हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह की बातों के बाद क्या देश में अब जनसंख्या को लेकर भी कानून बनने वाला है। सवाल ये भी है क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल गिरिराज सिंह कई बार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की वकालत करते आए हैं और आरएसएस के एजेंडे में भी ये शामिल रहा है। छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। आज लाल किले की प्राचीर से देश की बढ़ती आबादी को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, देखिए फिर इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि परिवार रख के भी हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमि का अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं, वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें तो उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। देखते ही देखते एक दो पीढ़ी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ चढ़ गया है, बच्चों ने कैसे शिक्षा पाई है, वो परिवार बीमारी से कैसे मुक्त है, वो परिवार अपने प्राथमिक आवश्यकताओं कैसी बढ़िया ढंग से पूरा करता है। हम भी उनसे सीखें और हमारे घर में किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा, मैं उसको उसके नसीब पे छोड़ दूंगा। कोई मां बाप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने वाले फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता है, और इसलिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी भूमिका अदा की है उनके सम्मान की आवश्यकता है
और उन्हीं के प्रयासों के उदाहरण लेकर के समाज के बाकी वर्ग जो अभी भी इससे बाहर है उनको जोड़ करके जनसंख्या विस्फोट, इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। एक विषय है, कहां से आ रहा हुआ सर? चलिए चर्चा किसी पर शुरुआत कर दे, क्योंकि अब मसला बहुत अहम हो चुका है। 370 जिस पर अब तक राजनीति हुआ करती थी वो खत्म, ट्रिपल तलाक जिस पर बार बार राजनीति हुआ करती थी वो खत्म। अब ऐसे में देश के लिए एक बड़ा और अहम मुद्दा बन चुका है जनसंख्या, और इसी जनसंख्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राची से जिक्र किया। तो चर्चा इस बात को लेकर कि क्या अब इसे लेकर भी कुछ बड़ा होने वाला है, चर्चा करते हैं। एके मिश्रा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, शिवम त्यागी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और काजल सिंगला वर्षित में सोशल एक्टिविस्ट। तो शिवम त्यागी जी के साथ ही शुरुआत करते हैं। शिवम जी, क्या करने वाले हैं अब? मतलब रूपरेखा तो तैयार कर ली, जमीन पूरी तैयार कर ली, अब फिर से कोई बड़ा धमाका जनसंख्या को लेकर? लेकिन पूजा जी, सबसे पहले तो आज के दिन इस देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी, आपकी पूरी टीम को, परिवार को और सबको। दूसरी चीज, जहां तक बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की है, तो इस बात को कोई टाल नहीं सकता कि इस देश, छोड़िए दुनिया में, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है, उनकी कमी है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून एक जरूरी चीज है, इसको भी कोई मना नहीं कर सकता। तो अगर लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया है, तो जाहिर है उन्होंने जनता को ये संदेश दिया है कि आप जाएं, घर बैठें, इसके बारे में सोचें, विचार करें, ये एक बहुत जरूरी चीज है। आने वाले समय में जो भी इसका लेखा जोखा होगा वो जनता में आ जाएगा, लेकिन आज से सिर्फ इतना है कि अगर आप इसको देखेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, परेशानी है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। और वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने खुद का कानून बनाना एक बाद की बात है, एक इंसान की सेल्फ कॉन्शियस भी कोई चीज होती है कि जब आप अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे तो क्या छोड़कर जाएंगे? कूट कर भर रहे हैं, और जनसंख्या को लेकर भी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से जोड़कर वही राष्ट्रवाद पैदा करने की कोशिश की। आप इसको, जनसंख्या नियंत्रण को आप राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, आप जो भी कहें वो आप अपने शब्दों में इनको कहें, कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन बात ये साफ है, ये जरूरी चीज है, एक चुनौती है इस देश के लिए और इस दुनिया के लिए। जैसा मैंने कहा, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस देश में क्या छोड़कर जाएंगे वो बहुत जरूरी है, और अगर आप इसको सोचेंगे तो आप अपनी सेल्फ कॉन्शियस से ही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून, ठीक, तो आप मानते हैं कि मतलब बिना भी पांच साल, मतलब अगले 5 साल के लिए ये एक बहस चलेगी, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र कर दिया तो अगले 5 साल में विषय बड़ा नजर आ सकता है। बिल्कुल, जब जनसंख्या कंट्रोल, उनको भी एक बार जो लेते, उपासना सिंह हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी स्वागत है। ठीक है, एके मिश्रा जी, सवाल मेरा ये है, क्योंकि जब बात आती है जनसंख्या नियंत्रण की तो याद आता है चाइना, क्योंकि चाइना में ये विस्फोट वो पहले ही झेल चुका है, और चाइना ने इसको नियंत्रण करने के तमाम कोशिशें 70 से 80 के दशक में भी किया था। क्या वही एक मॉडल इंडिया में भी काम आ सकता है, या इंडिया की रूपरेखा या इंडिया की जो चुनौतियां हैं वो अलग हैं और यहां पर एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा? देखिए, चाइना ने जो किया था वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था और 100% इन्फोर्स कर दिया था इस चीज को, उसके कुछ दुष्परिणाम अब आ रहे हैं जो कि काफी मीडिया में आप अगर देखिए तो होगा। वहां पे क्या हुआ, लिंग अनुपात जो है बदलने लगा, भाई है तो बहन नहीं है, किसी के आप बहन है तो भाई नहीं है, यंगस्टर्स नहीं है, यंगस्टर्स नहीं है। यहाँ पे जो मैं समझता हूँ, भारत की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट है। आप सोशली देखिए, कल्चरली, इकोनॉमिकली, आप कुछ भी किसी भी पैरामीटर से देख लीजिए, हम बहुत डिफरेंट है चाइना या किसी और भी दूसरे देशों के कंपेरिजन में। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण आज वक्त की जरूरत है अपने देश के लिए। एक तो आप वैसे ही देखिए, देश ऑलरेडी दो धड़े में बट गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो चले गए वहां पे, रिसोर्सेज हमारे उसी टाइम बटे। ये कानून तो मेरे ख्याल से बहुत पहले होना चाहिए था, या चाहे ये सोशल जागृति के थ्रू हो, चाहे कानून, सोशल जागृति फेल हो गई तो अब कानून आएगा, क्योंकि ये नेशंस इंटरेस्ट में है, जो चीज राष्ट्रहित में है। आप मुझे ये बताइए, आप क्वालिटी पॉपुलेशन चाहते हैं कि आप क्वांटिटी पॉपुलेशन चाहते हैं? जो लोग किसी भी चीज का सहारा ले लें, चाहे धर्म का सहारा ले लें, उदाहरण देने को 500 उदाहरण है, इसका एक सबसे सही उदाहरण है, आपको 5 पांडव चाहिए कि 100 कौरव चाहिए, बता दीजिए। हाँ, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, मुझे लगता है क्वालिटी पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्वालिटी लाइफ स्टाइल पे फोकस करना चाहिए। बच्चे 2 ही हो हर फैमिली में, अच्छे हों, पढ़े लिखे हों, मजबूत हों, वो आप 100 लोगों के बराबर होंगे।
तो क्वालिटी फोकस करते हुए भी ये जरूरी है, आप राजनीति वगैरह हर चीज को छोड़ दीजिए, धर्म वगैरह को छोड़ दीजिए, क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों में क्या आपको ऑप्ट करना है ये और यही बात आज मोदी ने कहने की कोशिश भी की है। प्रधानमंत्री का भी यही कहना था कि आप पहले खुद को देखिए कि क्या आपकी स्थिति वैसी है कि आप और बच्चे पैदा करके उनको रख सकते हैं, उनको बेहतर पालन पोषण दे सकते हैं। मतलब एक तरह से आज जिस तरह लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं उससे यही कहने की कोशिश की गई है कि पहले आप खुद को देखिए, पहले आप खुद सोचिए कि क्या आप सिचुएशन में हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी हर बात का इंपैक्ट हो रहा है एके मिश्रा जी, लगता है कि उनकी इस बात का असर काफी लोगों पर होगा। नहीं बिल्कुल होगा। और एक चीज मैं देखिए, मैं तो बड़ा ब्लंट बोलता हूँ भाई, हमने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं के एज के आप लोग भी हम लोग हैं, सब कुछ है, बराबर समझदार है, तो इसके लिए जरूरी थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर को ये तो मैं बोलूंगा कि हम देश के जनता से मैं बोलूंगा कि ये चीज जो अपने आप करनी चाहिए थी, भारत हमेशा प्रबुद्ध लोगों का देश रहा है, ज्ञान और प्रकृति से समन्वय यहाँ पे आज से नहीं हजारों सालों से रही है, कुछ मानसिकता के कुछ ऐसी मानसिकता के लोग यहाँ पे है जो कि कोई ना कोई बाधा लगा देते हैं, नहीं जी ये तो यहाँ नहीं है, ये तो वहां नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे, तो हम वो नहीं करेंगे। अरे वो जमाना गया जब आपको 7-8 लड़के रखने की जरूरत होती थी, जमीनें खाली होती थी, कहीं पे भी बस जाओ, रिसोर्सेज बहुत प्रचुर मात्रा में होते थे, तो सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से भाई वो होगा। लेकिन ये तो मैं इसमें बड़ी हैरानी की बात है कि क्यों प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, ये तो जनता को अपने आप करना चाहिए। देश में ये हमेशा से होता रहा, कांग्रेस की सरकार में देखें तब जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो एक कदम चर्चा जारी है। छोटा परिवार रख के भी तो आज देश मना रहा है 73वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण के बाद एक जो नई बहस देश के अंदर जारी हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसंख्या कानून पे कुछ करना चाहिए, साथ ही साथ जो छोटे परिवार हैं वो देश की सेवा करते हैं, और यहीं से पूरी बहस शुरू हुई। और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या जनसंख्या कानून आने वाला है 370-35 से हटने के बाद, ट्रिपल तलाक पर प्रहार करने के बाद, क्या जनसंख्या को रोकने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। उपासना सिंह और काजल सिंगला दो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं जो कि इस पहलू को बहुत करीब से देखती भी हैं। सबसे पहले उपासना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस पहलू पर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रधानमंत्री का ये कहना कि छोटे परिवार देश की सेवा करते हैं, आपको इससे क्या समझ आता है आज उनके बयान से? जनसंख्या की समस्या हमारे देश के सामने बहुत सालों से है और आज प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख अपने स्वतंत्रता के भाषण पर दिया है, तो इसका मतलब है कि अब वो इसके प्रति बहुत गंभीर है और कुछ करने वाले हैं, तो ये हमारे अंदर एक आशा की किरण तो भरी रहा है। और रही बात ये कि जनसंख्या बढ़ रही है, जो बड़े परिवार हैं वो अच्छी तरीके से देश की सेवा नहीं कर पाते हैं, ये मुझे लगता है कि ये सही बात है, क्योंकि ये समस्या एक ऐसी है कि हमारे संसाधन कम होते जा रहे हैं और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और इसकी तरफ जो सबसे पहले ध्यान गया था, आपको आश्चर्य होगा जानके कि दुनिया में जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला देश था वो हमारा भारत देश था। 1951 में यहाँ पर जनसंख्या कंट्रोल के लिए ये एक बनाया गया था रिसर्च का, और सबसे हमारी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है हमारे देश में, हर पंचवर्षीय योजनाएं में कुछ ना कुछ उसका प्रावधान रखा गया है, और उसी के तहत 1976 में हमारी जो मैरिजेबल एज थी, जो वैवाहिक एज, हमारा शारदा एक्ट 1929 में जो एक हमारा आयु का जो एक निर्धारण किया था कि 16 साल की लड़की होनी चाहिए या लड़के की जो आयु निर्धारित की गई थी उसको बढ़ा दिया गया था, और उस समय यही मन में था कि लड़की की उम्र अगर 18 साल होगी और लड़के की 21 साल होगी तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी एज है वो शायद कम होगी, उसके तहत ही ये कानून लिया गया था और बनाया भी गया था। और आपको याद होगा कि इमरजेंसी के बाद उसके पहले संजय गांधी ने बहुत तीव्र स्तर से जनसंख्या कंट्रोल के लिए एक वो किया था, मुहिम चलाया था, जिसका कि उनका आलोचना उनको सहनी पड़ी थी। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम तो हमारे दो से आगे हम इसको कैसे लेके जाए
कैसे लेकर आगे बढ़े, 5 साल में कैसे ले, ये तमाम योजनाएं तो फिलहाल आएंगी और उस पर तमाम सरकार नीतियां भी बनाएगी। काजल सिंह हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है। काजल जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये जनसंख्या पर कानून बनाना है तो कौन कौन से, क्योंकि आप समाज में रहते हैं और उन चीजों को आप बहुत करीब से देखते होंगे जो पहलू इसके दुष्परिणाम भी हैं और जिन पहलुओं की वजह से जनसंख्या बढ़ती भी है, ऐसे में कौन से रास्ते आपको लगते हैं कि नीतियां ये बननी चाहिए जिनके मुताबिक आप जनसंख्या कानून बना सकते हैं और इसका विरोध भी ना हो। तुषार जी, सबसे पहले तो जय हिंद, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जब मोदी जी इस जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन जब हमारे देश के लोगों में नहीं है तो डेफिनेटली कानून लाना चाहिए। मैं चाइना का जो कानून है उसको भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये चीज में बिलीव करती हूँ कि हम दो, हमारे दो और सबके दो, क्योंकि आप अगर हम लोग इकोनॉमिकली वाइज जाएंगे तो सिर्फ 3% लोग देश में टैक्स भरते हैं और 132 करोड़ लोग खाने वाले हैं, राइट। यही कारण था कि GST भी लाया गया कि वन नेशन वन टैक्स हो, ताकि जो डिपार्टमेंट वाइज टैक्स पे करप्शन हो रहा है वो करप्शन को कहीं ना कहीं लगाम दी जाए और बंद हो वो करप्शन। अब लोग, हम लोग 132 करोड़ है, रिसोर्सेज कम है, लैंड कोई बढ़ने वाली नहीं है, पानी कोई बढ़ने वाला नहीं है, तो ये रिसोर्सेज कम है, इसको हमें संभालना पड़ेगा। इसको जैसे मोदी जी ने साथ में जल ही जीवन है जो हाथ में लिया है मिशन, और इस बार वो इन 5 वर्षों में जल जीवन वाला मिशन लेने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि काजल जी, सबसे अहम ये भी है कि जो अशिक्षा है, जो अशिक्षा है, जो अशिक्षित लोग हैं, सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो वहीं पर आती है कि आपका जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है वो वहीं पर ही, क्योंकि आप अवेयर होते नहीं हैं समाज में। देखिए, अगर हम आप लोग अपनी बात करते हैं तो हम लोग एक बार सोचेंगे कि हाँ वाकई क्या हमारी आर्थिक स्थिति वैसी है कि हम एक के बाद दूसरा बच्चा करें या दूसरे के बाद तीसरे के बारे में हम सोच भी पाएं, तो हम कई बार कम से कम 100 बार जहन में ख्याल लेकर आएंगे। ये भाव उनके अंदर कैसे पैदा किया जाएगा, क्योंकि अब तक तो सिर्फ उनका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर होता रहा और जितनी आबादी बढ़े उसका किसी भी पार्टी का वो वोट बैंक वहां पुख्ता हो रहा था। यही कारण है कि ट्रिपल तलाक कानून भी लाया गया, ये भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार की तो बात हो ही रही थी। साथ में इस कानून से क्या होगा कि पहले लोग 3-3, 4-4 शादियां करते थे, 12-12 बच्चे पैदा कर लेते थे, तो ये कहीं ना कहीं है ना, रिसोर्स कम है, तो हमें समझना पड़ेगा। जब चीजें सही तरीके से, लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, एजुकेट नहीं है, तो ये सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अवेयरनेस लाए, लोगों को इस चीज के बारे में बताए और उन्हें जागरूक। नहीं, मसला वही है कि हम आज तक बहस कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल की बात हो या फिर आज बीजेपी कार्यकाल की बात हो, ये कोई नया मसला नहीं है, इस पर लगातार बहस यही होती रही कि कैसे भाई हम अपना जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है उस पर नियंत्रण करें। इतनी अवेयरनेस फैलाने के बाद में भी, इतने विज्ञापन भी हमने देखे, हम दो हमारे देश, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जनसंख्या पर नियंत्रण आज तक नहीं हो पाया, तो अब कैसे अवेयर कर पाएंगे, यही तो बड़ा टास्क है अभी आज की डेट में। बेटी के चक्कर में लोग बेटियां बढ़ाते जाते हैं, पालते जाते हैं, भ्रूण हत्या होती है, ये सारी कुरीतियां जो है उसको नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी लाया था। एंड मोर ओवर मैं इस चीज में ये कहूंगी कि सेल्फ जागरूकता लानी बहुत जरूरी है, आंगनवाड़ी हो चाहे गाँव में, या सामाजिक कार्यकर्ता है, स्कूल में टीचर्स है, छोटे छोटे गाँव में अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है, क्योंकि शहरों में तो जनसंख्या नियंत्रण में रहती है, 2 से 3 से ज्यादा बच्चे नहीं करते हैं लोग, लेकिन गाँव में 6-6, 7-7 बच्चे, इवन मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पर्टिकुलर एक समुदाय में है, हमारे भी समुदाय में काफी जो लोग है अनएजुकेटेड है, वहाँ पे 6-6, 7-7 बच्चे होते हैं, तो ये चीज में लगाम लाने के लिए बहुत जरूरी है, अवेयरनेस लाए, अवेयरनेस से लोग समझ नहीं पा रहे तो कानून की जरूरत है और लाना भी चाहिए ये कानून। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई जाहिर सी बात है कि अभी हमें अगर कानून की जरूरत पड़ रही है तो कानून भी लाना पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल है। और क्योंकि तुषार, आज एक इतना खास मौका, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, 73 वर्षगांठ हम मना रहे हैं, ऐसे में आजादी जिंदगी में लेकर आइए ताकि आप भी बेहतर जिंदगी जिएं और आप जिसको जन्म देने जा रहे हैं वो भी बेहतर जिंदगी जिए। बिल्कुल, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बहस को भी शुरू कर दिया गया और सारा दारोमदार जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि आप इस मूवमेंट को आगे लेकर बढ़े। फिलहाल के लिए इस बहस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, इसके आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं।